जो भी चाहिए Z5 ऐप पर, बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। जब तक धूप सेक रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन आज आग के इतने करीब आकर तूने अपना अंत खुद लिखा है चुड़ैल। मोती हीरा नीलम दाइमा क्या बताना चाहती है मुझे इससे? ये क्या किया तुमने? मेरी सारी रंगोली बिगाड़ दी। मोहिनी ना ना कुमारी सा, ऐसा अनर्थ कौन ही कर रहा? अब चुड़ैल की सच्चाई जानती हो, ये बात उसे पता ना होने देना वरना सारा खेल बिगाड़ देगी वो। हम दोनों तो बहने हैं ना, आज हम दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाएं। इसमें नमक पड़ो है, एक कतरा भी मुंह में घ्यो हमारी सच्चाई बाहर आ जावेगी। अगर ये नमक थोड़ी देर मारे अंदर रहा तो नष्ट हो जाऊंगी मैं। मने इस नमक को बाहर निकालना पड़ेगा। मेरा शक सही था, चुड़ैल की मोहिनी ही है। ये क्या है कुबरानी सा? रावण हत्या। नाच चुड़ैल नाच, इतना नाच कि आज थारी सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने आ जाए। मैं जानती हूँ तुझे मेरा राज पता चल गया है। अब ये जंग आमने सामने की होगी। एक बार चंद्र ग्रहण के बाद मुझे मेरी ताकत वापस मिल जाए फिर दिखाती हूँ मैं तने मारा असली रूप। अब हो गई मोहिनी दुगनी शक्तिशाली। तुम्हारे करीब आने का एक भी मौका नहीं छोड़ा उसने। और इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे सारे सेंसेस अपने कंट्रोल में कर लिए थे जिसकी वजह से तुम वो सुरबहार बजा पाए। याद करो राम, तुम्हें वो सुरबहार कहाँ मिला था? मोहिनी, मुझे मोहिनी लेकर गई थी वहां पर। आई न्यू इट। महायज्ञ के टाइम पे भी वो ही तुम्हें लेकर गई थी। राम वो तुम्हें कहाँ लेकर गई थी? राम याद करने की कोशिश करो, वो तुम्हें कहाँ लेकर गई थी? राम सोचो, याद करने की कोशिश करो राम, कहाँ लेकर गई थी वो तुम्हें? नहीं नहीं याद आ रहा सिया, सिया हम शर्मा मोहिनी थी, वो मुझे कहीं तो लेकर गई थी लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा सिया, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। राम तुम्हें इसलिए याद नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारे सेंसेस यानी इंद्रियां उसके कंट्रोल में थी। और जब उनका प्रभाव खत्म हुआ तुम्हारे दिमाग से उनकी छाप भी चली गई। मोहिनी
गलत किया उसने। मेरे ही घर में रहते हुए उसने मेरी बीवी को चोट पहुंचाई। गलत किया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है राम, अब तो सीधा उसे खत्म ही करना होगा। और वो एक ही चीज है जिससे वो मरेगी। और वो है सिसोदिया वंश शिरोमणि राणा भानु प्रताप की हड्डियों से बना वज्र। मुझे जल्दी मंदिर पहुंचना है, तब तक सिया प्लीज अपना ख्याल रखना। मेरा लिटिल बनी विवियन कहाँ है? पूरा महल देखा मैंने, कहीं कोई नहीं है। I'm sorry राम, मैं अपना प्रॉमिस तोड़ रही हूँ। शास्त्री जी की बातों से है दहशत में पूरा अग्रवाल परिवार। साहिल और वेदिका के साथ हुई दुर्घटना से बेखबर सब। क्या खुशियों का दामन पकड़ते ही छूट जाएगा साहिल और वेदिका का साथ, या है ये कोई साजिश जो आ रहा है तूफान बनकर फिर एक बार साधिका की प्रेम कहानी पर बर्बाद करने अग्रवाल खानदान को। जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। साहिल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में सोमवार रात देखिए। हमारी मृत्यु का कारण अक्षत जिंदल है। ये सबूत साफ साबित करते हैं कि अक्षत गुनेगार है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर अक्षत जिंदल को सजा सुनाने जा रही है। गुड्डन कहां हो तुम? इश्क सुभान अल्लाह कल शाम 7 बजे देखिए। कबीर की जिंदगी के बस 2 मिनट बचे, बचा सकते हो तो बचाओ। आज कबीर नहीं बचेगा। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि जी चाहता है कि अपने आदमी के बदले तेरी बेटी को मार दूं। नहीं, आवाज दीजिए। गेम खेलता है मेरे साथ। ये लोग पैसे लेकर भी बच्चे को नहीं छोड़ते। मैंने पुलिस को इसलिए भेजा था ताकि वो लोग किडनैपर तक पहुंच सके। सब कुछ तेरी बच्ची के लिए किया था। अभी मुझे मेरी बच्ची मिली, कीरा मिली मुझे। वो आदमी जिसे एड्रेस पता था वो मर गया। अब किससे पूछूं मैं? तुझसे या तेरे पुलिस फोर्स से? मुझे लगा था कि वो जो बिल्ला है ना, वो मेरी धज्जियां उड़ाने आया था यहाँ लूथरा उसमें, लेकिन मैंने उसे उड़ा दिया। मैंने उसे बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था, लेकिन जब वो बॉक्स से बाहर आया और उसने बंदूक मेरे सिर पे रखी, मुझे लगा मैं तो गया। उसने कैसा यूटर्न लिया, मतलब सबके सामने उस लालची लोमड़ी मोनिशा को मास्टरमाइंड बताया, और फिर पुलिस उन दोनों को, मोनिशा को भी और बिल्ला, उन दोनों को अरेस्ट करके ले गई। शादीशुदा होने के बावजूद भी 24 घंटे अपने वो भगोड़े आशिक की याद में तड़पती रहती है। गोमती, मुझे मालूम था तुम मुझ पे यकीन नहीं करोगी। बुआ, मैं आपका दर्द समझती हूँ। मैं तो दुल्हन बनी मंडप पे इंतजार कर रही थी जब राहुल मुझे, इसलिए मैं सच में समझती हूँ कि आप क्या महसूस कर रही हैं, क्योंकि उसी दर्द से मैं भी गुजर चुकी हूँ बुआ। तुम्हारी पसंद पे ना मुझे वैसे भी भरोसा नहीं है। क्या करते हैं आप? अरे किसी का घर वीर खाली कराने का आएगा ना, तो अपुन को बोलने का, लड़की को मस्त तैयार करके रखने का, अपुन कल ही सब फुल टू फाइनल करने वाले। आपको सगाई की बहुत बहुत बधाई। लड़की कहाँ से है? कोई देशमुख परिवार करके, ये देखिए। अच्छा हुआ दादा को मौत की सजा हो गई। ये नहीं हो सकता। अगर आप दोनों एक दूसरे की ढाल बनकर घूम रहे हो तो फिर मैं कौन हूँ? क्यों हूँ मैं?
जवाब दीजिए अस्मिता जी, मुझे जानना है आपके और दादा के बीच क्या रिश्ता है। अस्मिता खुद पर से काबू खोकर हृदय को शान और उसके रिश्ते की सच्चाई बता पाएगी या नहीं, जानने के लिए ये तेरी गलियां का अगला धमाकेदार सप्ताह मिस मत कीजिएगा।